माता साहब। 1972 में देश की स्वतंत्रता का हृदय जयंती वर्ष था। उस समय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए तालपत्र दिए। उनके बलिदान को और योगदान को याद किया, उनको सम्मानित भी किया और उनके जो अभिलेख थे वो सब मंगवा करके सुरक्षित नेहरू मेमोरियल में रखा दी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनको पढ़ करके शोध कर सके। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव जो चल रहा है देश का, उसमें सभी स्वतंत्रता सेनानी को पूरा याद किया गया है। और ये हर्ष की बात है कि कई सारे अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी अभी सामने आए हैं उनके परिवार वालों के माध्यम से, और कई सारे रिपोर्ट्स जो उनके पास है उनकी यादगिरी में उनके पत्र वगैरह वो भी अभी तक उनके पास हैं, तो उससे नए इतिहास की जानकारी फिर आने की संभावना है। वाडर और मेवाड़ श्रीनाथ द्वारा और गुजरात आदि के कई सारे जो शिक्षार्थी फिर नई नई जानकारियाँ लेकर के जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है राजस्थान विद्यापीठ की तरफ से, माननीय एस एस आनंद देव साहब ने इसकी स्वीकृति दी और ICHR नई दिल्ली से की सहायता से यह संगोष्ठी हो रही है। कम से कम भी यहाँ पर 150 से अधिक पत्रों का वाचन हुआ है और कई नई जानकारियाँ हमारे सामने आई है। समस्तों की इससे हमारे आज़ादी के आंदोलन पर कई सारी नई जानकारियाँ और तथ्य हमारे सामने आएंगे और हमारी नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा प्राप्त होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मातृ साहब का। और ये कार्य कैसा रहा उदयपुर में, जैसा आप सोच रहे थे कि कार्यक्रम होगा क्या वैसे ही हुआ? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और खेलने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और डॉक्टर रेमंड चौधरी ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की सभी आगंतुकों की और शोध छात्रों का यहाँ पर अच्छा सम्मान हुआ। सर कई स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों का यहाँ पर सम्मान किया गया और भोजन व्यवस्था आवास व्यवस्था बिल्कुल अच्छी रही और ये एक सफलतम सेवा सेमिनार माना जाएगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम।